다니고. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के ऊपर डिपेंड। डोंगरगढ़ है माँ बम्लेश्वरी का मंदिर, 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पहाड़ी पर। और माँ बम्लेश्वरी का मंदिर जहाँ नवरात्र में बहुत भीड़ रहती है। चलिए, हमने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं चलते चलते, और वो भी सीढ़ियों से। रोपवे का यूज़ नहीं कर रहे हम, क्योंकि रोपवे सुबह सुबह बंद था और हम लोग सुबह 6 बजे से चढ़ना चालू किए थे, तो अभी हम चढ़ते जा रहे हैं। तो देखते कितने बजे तक पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से तो आप 1 आवर लगेगा ऊपर चढ़ने तक। ये जो दिख रहा है ये है तालाब, यहाँ पे बोटिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे। और उसी के ऑपोजिट साइड में है रोपवे का स्टॉप स्टेशन, जहाँ से रोपवे आपको मिलेगी। अगर आप रोपवे से आ रहे हैं तो आपको ये मंदिर नहीं आएगा, अगर आप पैदल आ रहे हैं चढ़ते हुए सीढ़ियों से तो आपको ये मंदिर जरूर दिखेगा, जहाँ पे पूरे नागों के कलाकृति की गई है मंदिरों के ऊपर, तो ये देखने लायक है। जो नीचे दिख रहा है ये है डोंगरगढ़, पूरा डोंगरगढ़ सिटी है जो नीचे दिख रहा है। ऊपर जो दिख रहा है ये है माता का मंदिर, बम्लेश्वरी माता का मंदिर है। और अभी हमें यहाँ से चढ़ते हुए जाना है ये पत्थर के नीचे से, तो ये देखने लायक दृश्य है। नवरात्र में तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है। तो नवरात्र में थोड़ा, नवरात्र में एंडिंग में आइए, नहीं तो एकदम स्टार्टिंग में आइए। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। डोंगरगढ़ भंडारा से है 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, जो कि भिलाई वाला सीधा NH6 हाईवे से जाना पड़ता है। और NH6 और राजनांदगांव आने से पहले ही लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, जो कि आपको बोर्ड ही दिख जाएगा डोंगरगढ़ के लिए। तो लेफ्ट लेने के बाद कम से कम 12 या 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे डोंगरगढ़ स्थित है। भीड़ देखे कितनी है, भीड़ तो बहुत है, ऑफ सीजन है फिर भी भीड़ देखे कितनी है। हमेशा साल भर भी भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में बहुत ही ज़्यादा रहती है, पैर रखने लायक जगह नहीं रहती। कभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो डोंगरगढ़ जरूर चाहिए, देखने लायक जगह है। दिख रहा है यह है मंदिर का दृश्य, यह है मंदिर का अंदर का एरिया। अभी हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इस तरह की कलाकृति बनाई गई है, देखने लायक अच्छी जगह है। और ये जो आगे दिख रही है वो है बम्लेश्वरी माता। नवरात्र में जाइए, नवरात्र में त्यौहार का अलग ही मज़ा रहता है, भीड़ रहती है लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो आप त्यौहार में जाइए, त्यौहार में जाने की कोशिश कीजिए, नवरात्र में जाएंगे तो बहुत अच्छा फील होगा आपको भी।
देख रहे हैं, ये है रोपवे जिसकी टिकट कम से कम 100 रुपये है। अगर आप जल्दी आना चाहते हैं तो रोपवे से, एंड अगर आप टाइम पास करते हैं आना चाहते हो या एक डेढ़ घंटा लाइन में लग के आना चाहते हो तो 50 रुपये टिकट है इसकी अप डाउन की। तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या जो भी हो सीनियर सिटीजन्स वगैरह उनके लिए अच्छा ही है। रोपवे आपको डायरेक्ट ऊपर पहुँचा देती है जहाँ से आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है माता बम्लेश्वरी के मंदिर के लिए।